रूस से सस्ते कच्चे तेल का फायदा ले रहा भारत का रूस से क्रूड ऑयल आयात जुलाई में घट गया। 9 महीने में ये पहली बार है जब कच्चे तेल के इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, ओपेक प्लस ने जब से क्रूड उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है उसके बाद से सऊदी अरब से आने वाला शिपमेंट भी बीते 2 से 2.5 वर्षों में सबसे कम हो गया। दुनिया के सबसे बड़े क्रूड आयातक चीन और तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर भारत ने कीमतें बढ़ने के बाद जुलाई में रूस और सऊदी अरब से आयात में कटौती की है। सऊदी अरब ने जुलाई से सितंबर तक उत्पादन में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की है। इसके साथ ही रूस अगस्त में क्रूड निर्यात में 5 लाख BPD की कटौती करेगा। इसकी वजह है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों के बीच कटौती को लेकर एक समझौता हुआ है। हालांकि जुलाई में भारत का केवल रूस से ही तेल आयात कम नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल क्रूड आयात भी जून के मुकाबले जुलाई में 5.2% घटकर जुलाई में 4.4 मिलियन BPD रह गया। इसके एक वजह ये भी है कि कई रिफाइनिंग प्लांट्स मानसून के मौसम के दौरान रखरखाव के लिए बंद हैं। तो वहीं भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है। आंकड़ों से पता चलता है कि रूसी तेल आयात 5.7% घटकर 1.85 मिलियन BPD और सऊदी शिपमेंट 26% गिरकर 4.7 लाख BPD हो गया है। सप्लाई में कटौती के रूस के फैसले के बाद अनुमान है कि अगस्त और सितंबर में रूसी क्रूड में भारत के इंपोर्ट में जुलाई से भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद जुलाई की तरह ही अगस्त सितंबर में भी रूस भारत का टॉप क्रूड सप्लायर बना रह सकता है, जबकि इराक दूसरे और सऊदी अरब तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रूस से तेल आयात में कमी की एक वजह कीमतों में बढ़ोतरी भी है। स्पॉट डिस्काउंट कम होने के बाद रूसी कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल की सीमा के पार निकल गई, जबकि यूरोपीय यूनियन और G7 देशों ने रूसी क्रूड पर $60 प्रति बैरल की ऊपरी कैप लगाई हुई है। सऊदी अरब से कच्चे तेल की सप्लाई में भारी गिरावट के बावजूद भारत के क्रूड आयात में ओपेक की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। इसकी वजह है इराक, UAE और नाइजीरिया से तेल की ज्यादा खपत, जिसके चलते मार्च के बाद जुलाई में कच्चे तेल के आयात में ओपेक तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो गई है। वहीं अप्रैल जुलाई में भारत के आयात में ओपेक की हिस्सेदारी बीते 22 साल में सबसे कम रही है। अब आपका क्या कुछ कहना है तेल के खेल को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।